ब्रुस्ट्रो आर्टिस्ट लैपटॉप पेंटिंग बॉक्स विद ए पैलेट। सो ये मैंने ऑर्डर किया है क्रिएटिव हैंड्स की ऑफिशियल वेबसाइट से। हम देखेंगे कि इसमें क्या कुछ कैसा कुछ निकलता है, क्या फिनिश है इसकी, प्राइस के हिसाब से ये वर्थ इट है या नहीं है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सो ऐसा कुछ ये देखने के लिए मिल जाता है इस पे, मतलब प्रीमियम फील आ रहा है इस पे। मतलब इसकी वुडन क्वालिटी की अगर बात की जाए तो काफ़ी अच्छी वुड क्वालिटी इसमें यूज़ की गई है। यहाँ पे ब्रुस्ट्रो की आपको बेजिंग देखने के लिए मिल जाती है। और अगर मैं हेज की बात करूँ तो इसमें दो हेज लगे हुए हैं यहाँ पे। इस पे भी गोल्डन फिनिश दिया हुआ है। ये मेरे को एक हैंडल भी मिला है इसमें, इस पे लेदर फिनिश दिया हुआ है। मतलब काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, प्राइस के हिसाब से प्रीमियम क्वालिटी है, मतलब वर्थ इट है ये। तो मैं अंदर से भी आपको एक बारी दिखा देता हूँ। यहाँ पे ऐसे इसके हैचेस को ओपन करेंगे, ये ऐसा कुछ अंदर से देखने के लिए मिलता है। इसमें आपको तीन बॉक्सेस बीच में मिलेंगे और एक बड़ा बॉक्स साइड में। ये इसका थोड़ा साइज छोटा है। इसमें आप अपना जैसे बड़ा सामान कैरी कर सकते हैं, जैसे इरेजर्स हो गई या फिर पेंसिल के लेड हो गए, 4B लेड 2B जो आते हैं वो यहाँ पे कैरी कर सकते हैं। मोस्टली तो ये पेंटिंग के लिए ही मतलब बनाया गया है। इसमें पेंटिंग के ब्रशेज हो गए, उसके साथ जैसे यहाँ पे पेंटिंग की ट्यूब हो गई, केक्स हो गए, इसको यहाँ पे आप कैरी कर सकते हैं। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो स्पेस यूटिलाइजेशन बहुत मतलब अच्छा किया गया है इसके अंदर। अभी जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, इसके अंदर सबसे मेरे को मतलब सबसे प्रीमियम बात जो लगी वो इसका मतलब वुड फिनिश मतलब अच्छा किया गया है। अंदर से भी देखा जाए जितनी मेरे को इससे एक्सपेक्टेशन थी, मतलब उससे मतलब काफ़ी अच्छा है ये। मैं नो डाउट बहुत बढ़िया, मतलब इसमें वुड भी यूज़ की गई है, इसकी भी जो इसकी प्रीमियम क्वालिटी भी निकल के आ रही है इसमें। मतलब मेरे को एक भी एक और था इसमें, जिसमें मतलब ये इसमें तो जैसे फिक्स हैं ये जो इसके बीच के लगाए गए हैं इसमें, उसमें ये आप निकाल सकते थे, अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते थे। उसके ऊपर एजर लगा होता है, मतलब इसके सेगमेंट में कई सारे बॉक्सेस आते हैं वैसे, वो भी ब्रुस्ट्रो की तरफ से ही आते हैं। इसमें मतलब मेरे को ये सबसे सही लगा, क्योंकि मैं ज़्यादा वहाँ पेंटिंग वेंटिंग ऐसा कुछ करता नहीं हूँ जो मेरे को एजल की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें मैं आपको दिखा दूँ कि ये यहाँ पे हुक लगी हुई है, इसको रोकने के लिए इस हुक को ऐसे करके इसको अगर मैं बाहर खींचता हूँ इस तरह से तो ये बाहर आ जाता है। और इसमें आपको एक पैलेट भी मिलता है जो मोस्टली पेंटिंग में यूज़ किया जाता है। पैलेट की क्वालिटी भी मतलब वुड इसमें भी अच्छा यूज़ किया गया है। इसके ऊपर आप जैसे कलर को मिक्स कर सकते हो, इसके ऊपर कलर को मिला के जैसे पेंटिंग करनी है तो आपको ये मतलब उसके लिए यूज़ में आता है। बाकी इसके पीछे भी बहुत अच्छा स्पेस को यूटिलाइज़ किया गया है। इसके पीछे आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे 4 साइज़ के पेपर हो गए या फिर पेंसिल के बॉक्सेस हो गए जिसमें पेंसिल्स आती हैं, मतलब वो इसके पीछे आप आसानी से रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको रख के भी दिखाऊंगा एक बारी, इसको ऐसे इसमें डाल दो, मतलब ये सिर्फ इतना ही बाहर आता है। इसके आगे इसको अगर आपको बंद करना है तो उसके अंदर करो और ये हुक दोबारा से आप ऐसे लगा भी सकते हो। सो ओवरऑल मतलब इसकी क्वालिटी मेरे को बहुत अच्छी लगी है, इसको ऐसे मतलब बढ़िया है ओवरऑल। ये है इसकी वुडन क्वालिटी की बात कर ली जाए, मतलब पीछे भी इसके आपको हैचेस देखने के लिए मिल जाते हैं। ये यहाँ पे ब्रुस्ट्रो की बेजिंग मिलती है, पीछे भी मतलब अच्छी क्वालिटी के हैचेस यूज़ किए गए हैं। मैं आपको इसमें मतलब सामान रख के भी दिखा देता हूँ जो मेरे पास टूल्स वगैरह हैं, मतलब कैरी करके आपको दिखाऊंगा इसके अंदर स्टोर करके। तो यहाँ पे मैंने कुछ सामान इसमें स्टोर करा है अपना, जो जो टूल्स थे मेरे पास वो मैंने इसमें स्टोर करे हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें जैसे मेरे पास अभी जो जो था मतलब वो मैंने इसमें रख के आपको दिखा दिया है। इसमें जैसे मास्किंग टेप मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, फिर भी यहाँ पे स्पेस बचा हुआ है, अभी भी कुछ भी आप यहाँ पे रख सकते हो। जैसे इसको यहाँ पे रख देता हूँ, फिर भी इतना स्पेस यहाँ पे बच जाता है। बड़े वाली मास्किंग टेप भी मैंने यहाँ पे रखी हुई है। इसके नीचे मेरे कुछ नए पेंसिल्स हैं, जैसे आर्ट लाइन, ये कैमलिन की, बियानियों की, ये रखे हुए हैं। यहाँ पे मेरे पेंसिल लेड वगैरह रखे हुए हैं, जैसे मेरे पास ये कुछ लेड्स हैं, 4B के 2B है यहाँ पे रखे हुए हैं। इरेजर्स वगैरह कट रखे, ये कुछ अलग अलग लेड्स हैं। यहाँ पे मेरे मैकेनिकल पेंसिल, इलेक्ट्रिक इरेजर, जेली रोल पेन, वाइट जेल पेन, कुछ ऐसा कुछ रखा हुआ है। ये आगे की रिफिल है इसकी, मैकेनिकल इरेजर है, जो बैटरी इरेजर ये छोटे वाले के हैं। मतलब इसमें पूरा सामान आ जाता है, मतलब इसमें स्पेस यूटिलाइजेशन मेरे को सबसे अच्छा लगा इसका, स्पेस यूटिलाइजेशन, इसमें स्पेस को बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है।
ओवरऑल मतलब इसमें पूरा सामान आप रख सकते हो, पेंटिंग के अलावा भी मतलब इसमें जैसे स्केचिंग का सामान आपको रखना है तो उसमें मतलब आ जाता है इसमें। मतलब जैसे भाई अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये मैंने यहाँ पे इसको मैं बाहर निकाल के दे देता हूँ आपको, ये मैंने बाहर निकाल दिया। इसके पीछे मैंने रखी हुई है ये कलर पेंसिल जो मेरे पास कैमलिन की है, मैं कैमलिन यूज़ करता हूँ। इसके पीछे ये मतलब ये देखिए आप, इसके पीछे ये आसानी से फिट हो जाती है। इसके पीछे भी मतलब आप स्पेस यूटिलाइजेशन बहुत अच्छा किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे भी फिर भी स्पेस बच जा रहा है, मतलब इसको पूरा भी अगर मैं ना फिल करूँ तो भी ओवरऑल अच्छा है। मतलब वुड क्वालिटी, आपको कहीं कैरी करना है कैरी के लिए भी मतलब इतना बड़ा इसका साइज मेरे को नहीं लगा, लैपटॉप के साइज में मतलब ये आ जाता है। आराम से आप इसको अपने बैकपैक में भी कैरी कर सकते हो, मतलब बंद करके भी आपको दिखा देता हूँ, मैं ऐसे बंद करके आप इसको ऐसे लेके जा सकते हो। इसकी अगर मैं आपको डायमेंशंस की बात करूँ तो मतलब ये लैपटॉप के साइज का ही है, मतलब इतना बड़ा इसका कोई साइज भी नहीं है। और अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं तो ये मेरे को जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है creativehands.com से मेरे को ये अराउंड 1500 का पड़ा है, इतने में मतलब वर्थ इट है, इतना प्राइस इसका वर्थ करता है। सो ये कुछ इसके बारे में था, ग्रुस्ट्रो के जो आर्टिस्ट पेंटिंग बॉक्स है विद पैलेट, इसके बारे में कुछ आपको मैंने ये इसकी कुछ बताया, इसके कैसी वुड फिनिश है, कैसा इसका प्राइस है, डायमेंशन, स्पेस यूटिलाइजेशन वगैरह वगैरह। सो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।